अपने पूरे मॉर्निंग आपने धमाकेदार एक्शन करवा दिया, इक्विटी स्पेस में भी, कमोडिटी स्पेस में भी, डॉलर इंडेक्स भी है फिसलता चला जा रहा है, क्या हुआ? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफी पॉजिटिव संकेत, जैसे कि आप बता रहे थे, गिफ्ट निफ्टी 20,000 के ऊपर आपको जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो फेड चेयरमैन और फेड पॉलिसी के जितने भी जुड़े हुए सदस्य, उनकी तरफ से काफी पॉजिटिव बयान आते हुए दिखे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि उसके बाद बॉन्ड यील्ड हमने फिसलती हुई दिखी, 10 हफ्तों के निचले स्तर पे आपको नजर आएगी, डॉलर इंडेक्स में आपको गिरावट नजर आ रही है। तो हर तरफ से चौतरफा आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव संकेत ही आते हुए नजर आ रहे हैं। कल कुछ पब्लिक इवेंट्स में फेड रिजर्व ऑफिशियल की तरफ से बयान आते हुए दिखे, उनका कहना है कि फेड पॉलिसी में जितने भी उन्होंने बदलाव किए वो अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जो पॉलिसी है वो वेल पोजिशन से। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो उनका 2% का इन्फ्लेशन का लक्ष्य है वो भी इस जो उन्होंने कदम उठाए हैं फेड पॉलिसी से जुड़े हुए उसके चलते वो उस लक्ष्य पे आने का अनुमान लेके चल रहे हैं। तो काफी पॉजिटिव संकेत आपको आते हुए दिखेंगे, ऑप्टिमिज्म बना हुआ यहाँ पे आपको नजर आएगा। फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी यही संकेत आते हुए दिखे। अब जो नेक्स्ट फेड की पॉलिसी होगी 13 दिसंबर के दिन, तब यही माना जा रहा है, मार्केट के एक्सपर्ट्स यही मान के चल रहे हैं कि अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी यहां से नहीं होने वाली है। तो काफी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखे थे, बाजार ऑप्टिमिज्म की तरफ लेता हुआ चला गया। हालांकि कल हमने थोड़ा सा, परसों के दिन हमने देखा था थोड़ा ब्रेक लगा था तेजी पर, लेकिन नवंबर के महीने की बात करें तो यूएस के जो बाजार है वो पॉजिटिव नोट पे बंद होने के लिए तैयार है। कल भी हमने देखा डाउ करीबन 80 पॉइंट ऊपर आपको बंद होते हुए दिखा, नैस्टेक में भी 40 अंक की तेजी थी, और इनफैक्ट नवंबर के महीने में भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको करीबन 8-10% की तीनों के तीनों इंडेक्स पे आती हुई नजर आ सकती है। काफी पॉजिटिव क्लोजिंग के लिए यूएस बाजार बंद है नवंबर के महीने के लिए। बॉन्ड यील्ड हमारे फेवर में भी है उनके भी, क्योंकि वहां पे आपको गिरावट आती हुई दिखे, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.33% के पास आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, 10 हफ्ते के निचले स्तर पे फिलहाल फिसलती हुई दिखे, जिस हिसाब से बयान आते हुए दिखे काफी ऑप्टिमिज्म यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा सामने आया जो सुधर कर आते हुए नजर आया, अनुमान था 101 के पास इंडेक्स रहेगा जो 102 हुआ, और जो वहां पे ई कॉमर्स सेल चल रही है साइबर मंडे, उसने तो रिकॉर्ड सेल्स दर्ज किए इस साल, करीबन $12 बिलियन से ज्यादा की ऑल टाइम हाई ग्लोबल साइबर सेल्स आप कह सकते हैं यहां पर आती हुई नजर आई है। और इसके चलते काफी सारे रिटेल स्टॉक्स हो, अमेजोन हो, इनमें आपको बढ़त दिखी कल के ट्रेडिंग सेशन में। एनर्जी स्टॉक में भी आपको बढ़त नजर आई क्योंकि ओपेक प्लस की बैठक है उसके पहले यहां पर हलचल होती हुई दिखी। यूरोप के बाजार की बात करें तो हालांकि वहां पर मिला जुला प्रदर्शन कल देखने को मिला था, डॉलर इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर पर 102.5 के पास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और कमोडिटी में एक्शन आपको भरपूर देखने को मिल रहा है चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल। सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पे सोना 7 महीने के ऊपरी स्तर पर $245 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल, तो 2050 के पास आपको दिखेगा। और जैसे कि आप बता ही रही थी, कल हम बात कर भी रहे थे कि $15-20 ऊपर हुआ तो 6-7 महीने के ऊपरी स्तर पे आपको सोना ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। रिकॉर्ड ऊंचाई पे भी देखे, रिकॉर्ड लेवल से भी देखे तो सिर्फ $40 सोना दूर है, और जैसे ही $40 यहाँ पे ऊपर सोना ट्रेड करता है तो आपको रिकॉर्ड लेवल पे सोना इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चांदी भी 3 महीने के ऊपर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। हालांकि क्रूड में कल हमने देखा की 2% की बढ़त नजर आई, ओपेक प्लस की मीटिंग है 30 नवंबर का दिन, तो वहां पे हमें नजर रखनी है, वहां पे नजर रहने वाली है। और बेस मेटल में भी देखे तो बढ़त के साथ कुछ बेस मेटल में आपको कल थोड़ी बढ़त नजर आई थी, लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर्स है, बॉन्ड यील्ड फिसलती हुई नजर आ रही है, डॉलर इंडेक्स चार महीने के निचले स्तर पे, हालांकि कमोडिटी में एक्शन भरपूर है, वैसा ही हाल इक्विटीज में है, और नवंबर मंथ यूएस के लिए काफी पॉजिटिव साबित होने वाला है। तो चौतरफा स्ट्रेंथ के पूरे पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद नूपुर पूरी डिटेल के लिए।